स्वागत है मेरे सभी दोस्तों का हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो जो है स्ट्रेटिग्राफी पर बेस्ड होने वाली है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्कियन ग्रुप। इससे पहले हमने आर्कियन ग्रुप का इंट्रोडक्शन देखा था, ठीक है, उसके कुछ फीचर्स देखे थे। वो बहुत पहले, कुछ बहुत समय पहले मैंने वो वीडियो बनाई थी, और अब मैं बहुत समय बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्कियन ग्रुप। ठीक है, तो आर्किन ग्रुप जो है कहाँ कहाँ बटा हुआ। आर्किन ग्रुप की खास बात ये है, इसमें सिस्टोज और नाइसिस पाए जाते हैं, नाइसोज या ठीक है सिस्ट्स या नाइसिस पाए जाते हैं, और इन्हीं को हम साथ में आर्किन रॉक्स बोलते हैं। ठीक है, तो आर्किन रॉक्स की खास बात ये है कि जो पेनिनसुला है, हम पेनिनसुला मैंने आपको फिजियोग्राफिक डिविजन ऑफ इंडिया वाली वीडियो में दिखाया था, और अगर नहीं याद है तो इस एरिया को बोलते हैं पेनिनसुला। ठीक है, ये वाला पेनिनसुला, ठीक है, तो पेनिनसुला का ये दो तिहाई हिस्सा कवर करते हैं, और वो दो तिहाई हिस्सा हमारा नाइसेस और सिस से कवर है। ठीक है, अब इसमें एक डेफिनेशन आती है सील्स की। अब देखो सील्स क्या होता है, सील्स आर द एरियाज, ये हम कह सकते हैं द एरिया कवर्ड बाय नाइसेस एंड सिस्ट्स इज कॉल्ड सील्ड। ठीक है, जो नाइसेस और सिस्ट जो रॉक हैं, वो जो इस एरिया को कवर करते हैं, उनको हम सील्स बोलते हैं। सील हम क्यों बोलते हैं, उसकी खास बात ये है कि क्योंकि भाई जब भी चेंजेस हुए अर्थ के ऊपर, तो ये उन चेंजेस का इन पर कोई असर नहीं पड़ा, इसलिए हम इनको शील्ड बोलते हैं। जैसे कैप्टन अमेरिका की शील्ड सबको पता है, ठीक है भाई, कितना भी मारो उसको, वाइब्रेनियम को बनाओ, टूटता ही नहीं है। ठीक है, खैर वो एंड गेम में टूट गया था, वो अलग बात है, बट शील्ड का मतलब होता है एक तरीके से जो मतलब हमारी ढाल होती है, जो टूटते नहीं है। ठीक है, उसको कह सकते हैं। अब इन पे भी यही हुआ कि भाई ये जो सिस्ट्स और क्या है, ये नाइसेस की जो लेयर्स थी, उस पर उसका हुआ क्या कि भाई इतने अर्थ के ऊपर इतने चेंजेस आए, चेंज आए, उन पर कोई असर ही नहीं पड़ा, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, तो इसलिए उनको सील्स बोलते हैं। ठीक है, फिर है पेनिनसुलर इंडिया इज ए सील एरिया, और जो पेनिनसुलर इंडिया है वो एक सील्ड एरिया, उसको हम सील्ड एरिया कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया ना, सील्ड ढाल मतलब एक तरीके से। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे थे हम, तो एक है पेनिनसुला में, एक है एक्स्ट्रा पेनिनसुला में। ठीक है, तो पेनिनसुला में कहाँ कहाँ पर है, साउथ इंडिया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सिंहभूम, ईस्टर्न घाट रेंजेस आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टाइप्स टाइप एरियाज ऑफ आर्कियन रॉक्स। और ये जो ईस्टर्न घाट रेंज है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टाइप एरिया है आर्कियन रॉक्स के। और दूसरा है एक्स्ट्रा पेनिनसुलर, एक्स्ट्रा पेनिनसुला, आर्कियन नाइसेस एंड सिस्ट एक्सेट्रा आर एक्सपोज अलॉन्ग द एंटायर लेंथ ऑफ हिमालयाज फ्रॉम कश्मीर टू बुर्मा, नोन एज क्रिस्टलाइन एक्सेस। जो आर्कियन नाइसेस और सिस्ट हैं, वो हिमालयाज, वो कश्मीर से लेकर बर्मा तक फैले हुए हैं, और इसको हम क्रिस्टलाइन एक्सेस भी कहते हैं। ठीक है, अब आगे इसमें ये है, इन कश्मीर हजारा एरिया, जो नाम है सीरीज का है, वो है सलखला, सलखला सीरीज, कुमाऊं स्पीति एरिया में उत्तराखंड में, उसका नाम है वायक्रिता सिस्टम। गढ़वाल एरिया में, ये भी उत्तराखंड में है, जौनसार सीरीज। शिमला एरिया में, शिमला सबको पता है कहाँ पे, एचपी में है शायद, है ना, हिमाचल प्रदेश में, तो उसका नाम है जुतोग एंड छैल सीरीज, छैल चैल जो भी पढ़ना है वो पढ़ लेना। अगला है इन नेपाल एंड सिक्किम द सिस्टोज रॉक्स, जो कि आर्कियन है, उसका नाम है डार्लिंग सीरीज, डार्लिंग नहीं डार्लिंग या डेलिंग जो भी पढ़ना है। उसके बाद नाइसोस रॉक्स हैं आर्कियन सिस्टम, दार्जिलिंग सीरीज, और भूटान में है बुक्सा सीरीज। तो ये था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्कियन ग्रुप। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। स्टेटिग्राफी के लिए सब बोलते रहते हैं, सर स्टेटिग्राफी की वीडियो दे दो, सर दे दो ना, अरे सर कब दे रहे हो, अरे दे दो भाई स्टेटिग्राफी की वीडियो। ठीक है भाई, करते हैं कुछ प्रबंध, कर रहे हैं धीरे धीरे। अब सच्चे मतलब खुद से बताऊं तो थोड़ा उबाने वाला लगता है स्टेटिग्राफी मुझे, बट करो, तुम भी करो मेहनत, हम भी कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा तुम्हारे लिए। पसंद आई होगी वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देना, नहीं पसंद आई होगी तो भी कमेंट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।